हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्टोहोलिक रिवाइव। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे एंड बहुत सारी कलरफुल एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हिंदी में है बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं एंड दे हैव रिक्वेस्टेड मी वाय मैसेज टू मेक अ वीडियो इन हिंदी। सो टूडेज वन इज़ इन हिंदी। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो आर्ट हैज़ नो लैंग्वेज, एनीबडी कैन प्रैक्टिस इट। सो अगर आप हिंदी नहीं समझते देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस ट्यूटोरियल, आप देख सकते हो एंड यू कैन कलेक्ट सम क्रिएटिव आइडियाज बाय वॉचिंग दिस। सो स्टे ट्यून एंड एन्जॉय वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, जब हम लेटेस्ट ट्रेंड्स इन होम डेकोर की बात करें तो आजकल जो है वो क्रिएटिव वॉल आर्ट यूजिंग प्लेट्स बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है, जिसमें हम कुछ भी प्लेट्स, या जैसे अपने पास मेलामाइन के प्लेट्स पड़े हैं जो आप यूज़ नहीं करते, या फिर आप सिरेमिक प्लेट्स यूज़ कर सकते हो, और ये भी नहीं है तो सिंपल से थर्मोकॉल डिस्पोजेबल प्लेट्स आप यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर कलरफुल पेंटिंग बना के उसको वॉल्स पे हैंग कर सकते हो, स्टिक कर सकते हो एंड इट विल ऐड अ वेरी नाइस क्रिएटिविटी टू योर होम डेकोर। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ DIY बताने वाली हूँ, DIY पेंटिंग्स ऑन मेलामाइन प्लेट्स जो मेरे पास पैर पड़े थे, सो आई एम यूजिंग दैट। सो दिस वीडियो इज काइंड ऑफ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। दोस्तों, जब ये पेंटिंग ऑन प्लेट्स की बात करें तो इसमें हम कुछ अलग अलग टाइप्स के कंसेप्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोहेमियन आर्ट विच इज़ द एंशियंट आर्ट ऑफ अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी, और हम इंडियन फोक आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम ज्योमेट्रिक शेप्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और ये भी नहीं पॉसिबल तो हम लैंडस्केप पेंटिंग्स सिंपल वाले वो भी कर सकते हैं, और एनीथिंग विच इज़ कन्वीनियंट टू यू, फ्री हैंड पेंटिंग्स दैट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। तो आप अपने हिसाब से अपना कंसेप्ट चूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने जो कंसेप्ट चूज़ किया है दैट इज़ इंडियन फोक आर्ट। आई एम पेंटिंग कपल ऑफ इंडियन फोक आर्ट्स एंड यूजिंग सम मिरर काइंड ऑफ थिंग्स ऑन दी प्लेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रिवाइव द आर्टिस्ट इनसाइड यू। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट प्लेट पर मैं कुछ ज्योमेट्रिक शेप से डिज़ाइन बनाकर उसको डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सर्कल शेप्स बनाकर उसको डिफरेंट कलर्स से पेंट कर रही हूँ। पेंटिंग के लिए मैंने टर्कोइश कलर के लाइटर एंड डार्कर शेड्स यूज़ किए हैं। इनर मोस्ट सर्कल को डार्केस्ट शेड से पेंट किया है एंड फॉलोड बाई दी लाइटर वंस। उसके बाद मैंने ऐसे ट्राइंगल शेप्स बनाए हैं, और ये जो भी कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो सब एक्रेलिक कलर्स है। ऐसे डॉट्स लगाकर मैं कुछ मंडला टाइप के डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे कलर्स के पैचेस दिख रहे हैं जिसको मैं बाद में सेकंड कोट से कवर कर लूँगी। दोस्तों, यू नो व्हाट, जब पुराने ज़माने में पेंटिंग की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी तब जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो लोग इस तरह के पेंटिंग बनाते थे ज्योमेट्रिक शेप्स यूज़ करके, एंड उस टाइम डेकोरेशन के लिए ये सारी लेटेस्ट चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो सिंपल सी थिंग्स लाइक मिरर्स यूज़ किए जाते थे। आपने कुछ म्यूजियम्स में ऐसी पेंटिंग्स देखी होंगी। सो हमारी फर्स्ट प्लेट रेडी है। ये सेकेंड वाले प्लेट पे मैंने एक नेचुरल एलिमेंट पेंट किया है। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग अक्सर ऐसी चीज़ें पेंट करते थे जैसे कि कुछ नेचुरल एलिमेंट्स है, लाइक सन है, मून है, स्टार्स है, ट्रीज है, उस तरह से, और एनिमल्स के पेंटिंग्स भी बहुत ही पॉपुलर थे। आपने बहुत सारे इंडियन फोक आर्ट्स में देखा होगा जहाँ पर कैमल है, एलिफेंट है, और पिकॉक है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। यहाँ पर मैंने सन पेंट किया है।
सूर्य जो है वो बहुत ही पावरफुल माना जाता है, तब भी और आज भी। दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें हैं लाइफ की जो तब भी सेम थी पुराने ज़माने में, लाइक हंड्रेड ऑफ ईयर्स पहले भी, और आज भी वो चीज़ें वही है। दोस्तों ये जो ट्रेंड्स है, फैशन है, वो सब रिपीट होता जा रहा है ऐसा मुझे लगता है। जो बहुत सालों पहले चल रहा था, पॉपुलर था, वो आज भी धीरे धीरे हमारे रूटीन में दिख रहा है, उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। हमारी ये जो नई पीढ़ी है वो हमारे पूर्वज की जो पीढ़ी थी उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रही है। तो यहाँ पे हमारे सूर्यदेव रेडी हो चुके हैं। नाउ दी थर्ड प्लेट, इसको मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है, बिकॉज अगर मैंने डिटेल कवर की होती तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाता। इस वाले प्लेट को मैंने ऐसे डिवाइड किया है और टू कलर्स में पेंट कर लिया है। इसमें मैंने पिकॉक की पेंटिंग बनाई है। दोस्तों मुझे पिकॉक बहुत ही पसंद है, इसको कोई भी शेप में बना सकते हैं और कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। और ये फोर्थ वन है जिसपे मैंने सिंपल सा कलर व्हील टाइप ऑफ पेंटिंग बनाया है और फिर मिरर से उसको डेकोरेट किया है। तो ये है हमारा DIY वॉल आर्ट यूजिंग प्लेट्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। कौन सा प्लेट बहुत ही अच्छा बना है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये प्लेट्स के पीछे आप स्ट्रिंग को स्टिक करके कमांड हुक से वॉल पे हैंग कर सकते हैं और टू वे टेप से वॉल पे स्टिक भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल आर्ट यूजिंग प्लेट्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ आइडियाज़ शेयर किए हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके और भी कुछ पेंटिंग्स बना सकते हो प्लेट्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बनाया वही अच्छा लगेगा, आप अपना दिमाग लगाइए और शायद कुछ बहुत ही खूबसूरत, मुझसे भी बेटर आपसे बन सकता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपने कैसा बनाया। शेयर योर पिक्चर्स विथ मी एज वेल। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपने एंजॉय किया है तो लाइक तो बनता है, सो प्लीज़ क्लिक दी लाइक बटन। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जिनको भी ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ पसंद आते हैं। आई विल सी यू सून। टिल देन कीप रिवाइविंग एन आर्टिस्ट इनसाइड। बाय बाय।